हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्मा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है, रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीनाम की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया।
वामिकम गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ाम ने गदर टू की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलाया मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर टू द कथा कंटिन्यूस को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर टू द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर टू द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर टू नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर टू की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिकम गब्बी ने मुस्कान
की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर टू की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलाया मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमद रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर टू द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर टू द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर टू द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर टू नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीनाम की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर टू की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिकम गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी
अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ाम ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलाया मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमद रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया।
कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीनाम की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नजर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिकम गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ
अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीनाम की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिकम गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने
गदर टू की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमद रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर टू द कथा कंटिन्यूस को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर टू द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर टू द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर टू नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीनाम की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर टू की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिकम गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने
गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलाया मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमद रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूस को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीना अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीना चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने
गदर टू की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलाया मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमद रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर टू द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर टू द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर टू द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर टू नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर टू की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने
गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए
स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था।
आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था।
आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीना अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीना शक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था।
आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमद रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीनाम की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिकम गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था।
आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमद रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूस को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था।
आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीनाम की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिकम गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए
सिमरत कौर कोलायम मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर
को लाया मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया मनीष
वादावा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा
को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिकम गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के
जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीना अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीना चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नजर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की
पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीना अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीना चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नजर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी।
रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल तारा सिंह सकीना अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीना चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी गौरव चोपड़ा अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो सनी देओल अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी
फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्हा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के
जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीना अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीना चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्हा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था।
लव सिम्मा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीना अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीना चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्मा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नजर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्मा सिन्हा और
गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम शक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्मा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिकम गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्मा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को
भी अहम रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में, तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्मा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवाहे, रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीनाम की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेराम को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्मा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहम
रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीना अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीना शक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्मा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवा है। रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेराम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्मा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था।
बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। गदर 2 द कथा कंटिन्यू अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 की फिल्म गदर का सीधा सीक्वल है। मूल कलाकार जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा शामिल हैं, इनकी वापसी होंगी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सनी देओल, तारा सिंह, सकीनम अली सिंह पति और जीते के पिता के रूप में हैं। सकीनम चक्कू अली सिंह तारा सिंह की पत्नी और जीती माँ के रूप में अमीषा पटेल हैं। चरणजीत जीते सिंह तारा और सकीना के बेटे के रूप में उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर लव सिम्मा पाकिस्तानी सेना के जनरल वीरेन खान के रूप में मनीष वाधवाहे, रोहित चौधरी, गौरव चोपड़ा, अर्जुन द्विवेदी इस फिल्म में हमें दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में तो जी स्टूडियो, सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 15 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से गदर 2 द कथा कंटिन्यू की घोषणा की, जिसमें मोशन पोस्टर के साथ रिलीज डेट 2022 का खुलासा किया गया था। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 को अनावरण किया गया था और इसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह को हथौड़े से दिखाया गया है। फिल्म ने अपनी रिलीज की तारीख भी 11 अगस्त 2023 तक की है। बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो पहले की तरह देओल को तारा सिंह के रोल के लिए ऑफर किया गया था। अमीषा पटेल को तारा सिंह की पत्नी सकीना की भूमिका की पेशकश की गई थी। शर्मा को चरणजीत जीते सिंह की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी। निमरत को खेरा को सितंबर 2021 में चरणजीत सिंह की प्रेम रुचि मुस्कान की भूमिका की पेशकश की गई थी। खेरा ने 2020 से 2021 के भारतीय किसानों के विरोध के मुद्दे नज़र इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जी स्टूडियो और बॉलीवुड ने किसानों के विरोध का विरोध किया, इसलिए वह बॉलीवुड द्वारा प्रस्तावित किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। खेरम द्वारा इस भूमिका को ठुकराए जाने के बाद सिमी चहल को उसी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी विरोध के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2022 में यह साक्षात्कार के दौरान शिवराम गोयल ने कहा कि उन्हें चहल के बाद गदर 2 की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। वामिका गब्बी ने मुस्कान की भूमिका को भी अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि कायनाथ अरोड़ा ने गदर 2 की भूमिका के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। आखिरकार निर्माताओं ने भूमिका के लिए सिमरत कौर को लाया। मनीष वाधवा को फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका की पेशकश की गई थी। रोहित चौधरी को भी फिल्म में एक पाकिस्तानी सेना के जनरल की भूमिका में लिया गया था। लव सिम्मा सिन्हा और गौरव चोपड़ा को भी अहमन रोल में लिया गया था। बात करें मूवी के म्यूजिक के बारे में तो
सईद कादरी द्वारा लिखे गए गीतों के साथ फिल्म का संगीत मिथुन द्वारा रचित है। रही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो गदर 2 द कथा कंटिन्यूज को भारत में 11 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के मौके पर थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना निर्धारित है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।